हेलो एंड वेलकम टू केसिंग एजुकेशन। आई एम कुलभूषण। लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्यूटोरियल। आज हम सीखने वाले हैं इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और उसमें स्पेशली हम देखने वाले हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है नंबर्स की। मतलब कि आपने सुना होगा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। हमारे इंडियन सिस्टम में हम लोग जो नंबर्स हैं उनको इस तरह से गिनते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो आपने सुना होगा मिलियन बिलियन, है ना। तो उसको किस तरह से गिनते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन नंबर सिस्टम की। इंडियन नंबर सिस्टम में होता क्या है, जो प्लेस वैल्यू है ना वो किस तरह से मेजर की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखा देता हूं, फिर हम इस चार्ट को देखेंगे। ठीक है, देखिए ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, है ना। ये कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हैं मैंने, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखिए, ये जो पहला स्थान होता है ना, किसी भी जो संख्या है, कोई भी जो संख्या है उसका जो पहला स्थान रहता है उसको हम बोलते हैं इकाई। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा स्थान रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं दहाई। तीसरे स्थान को हम बोलते हैं सैकड़ा, चौथे स्थान को हजार, पांचवे स्थान को 10,000, छठे स्थान को हम बोलते हैं लाख, फिर आता है हमारा 10 लाख, फिर आता है करोड़, और फिर आता है 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको गिनते हैं, है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सिर्फ इसकी हम बात करते हैं, अभी ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं ये कितना लिखा हुआ है, ये 20 + 1 यानी कि 21। अगर मैं ये बात करूं तो ये कितना लिखा हुआ है, 321। ये कितना लिखा हुआ है, 4321। इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग इकाई से शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर आता है 10,000। 10,000 के बाद सीधा हम आ जाते हैं लाख पे, लाख के बाद फिर हम 10 लाख, 10 लाख के बाद फिर हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है करोड़ का, करोड़ के बाद 10 करोड़, उसी तरह से फिर आ जाता है अरब 10 अरब। ठीक है, ये तो हम बात करें इंडियन सिस्टम की। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें कैसे रहता है। देखो, इंटरनेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखा रखा है कि ये जो इंडियन सिस्टम है, ये इंडियन सिस्टम है, ये नंबर्स हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो एक को तो हम अंग्रेजी का अगर बात करें तो वंस बोलते हैं, इंडिया में भी वंस बोलते हैं और इंटरनेशनल में भी वंस बोलते हैं। जब दो अंक हो जाते हैं तो उसको हम जो दूसरे अंक, जो दूसरा प्लेस है, दूसरे अंक का जो प्लेस है, जो एक का प्लेस है, उसको हम टेंस में गिनते हैं। तीन अंकों के प्लेस को हम बोलते हैं हंड्रेड्स, चौथे अंक के प्लेस को हम बोलते हैं थाउजेंड्स, और पांचवे अंक के प्लेस पे हम बोलते हैं 10,000। ठीक है, अब देखो यहां तक तो सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, जब इसमें हमने एक और जीरो लगा दी तो ये हो गए लाख, लैक्स। ठीक है, 1 लाख हो गया हमारा इंडिया की अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो देखिए, उसमें ना 10,000 के बाद 100 तक भी ले जाते हैं उसको, 100,000। फिर हमने एक जीरो और बढ़ाई तो हमारा क्या हो गया, लाख से 10 लाख हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100,000 के बाद नया कॉन्सेप्ट आ गया 1 मिलियन। यानी कि अगर हम बात करें 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने हो गए, 10 लैक्स। इसको ना आप नोट कर लो, क्योंकि हमारे ना क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। इसको ना आप सब लोग नोट कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मिलियंस में काउंटिंग होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, और हमें पता ही नहीं होता कि उसका मतलब, अगर हम इंडियन में उसको कन्वर्ट कर दो वो कितना होगा। हम लोग लाख समझते हैं उसको, कि भारत का लाख यानी कि विदेश का मिलियन, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो 10 लाख के बाद हमारा आ जाता है करोड़, है ना, 10 लाख के बाद हमारा आ जाता है करोड़। लेकिन इन्होंने क्या है, 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर हमारा क्या आ जाता है, 10 करोड़ आ जाता है एक जीरो और बढ़ाने पे। अब ये 10 को क्योंकि 100 तक ले जाते हैं हर चीज को, तो ये इसमें आ गया 100 मिलियन।
फिर आता है 100 करोड़, यानी कि हमारे में जो 100 करोड़ रहता है वो रहता है इनका 1 बिलियन। इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप नोट कर लो, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 100 करोड़ जो रहता है ये रहता है 1 बिलियन। यानी कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम में 1 बिलियन कितना होता है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि इंडिया का करोड़ होता होगा। नहीं, इंडिया में 100 करोड़, 100 करोड़ को हम 1 बिलियन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये मिलियन क्या होते हैं, ये बिलियन कितना होता है, ये सारी चीजें हमें पता चली। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की जो और भी वीडियो में लाने वाला हूं, जिसमें हम नंबर सिस्टम को और ज्यादा गहराई से समझेंगे, इसके और ज्यादा जो फैक्ट्स हैं या जो और चीजें इसमें होती हैं वो हमें जानने को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और सब्सक्रिप्शन अगर आप कर लेते हैं इस चैनल का तो आपको क्या फायदा होगा, जितनी भी वीडियोज में इससे रिलेटेड लाऊंगा उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।